सत श्री अकाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम लोग फर्दर सेक्शंस डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्शन 439 दैट डील्स विद द स्पेशल पावर ऑफ द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, COS, कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। तो ये बेसिकली स्पेशल पावर दी गई है, हालांकि ये नहीं है कि हाई कोर्ट में किसी और सेक्शन में आप मूव नहीं कर सकते। हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो बेल की, लाइक 436 सेक्शन ऑनवर्ड्स। जब हम बात कर रहे हैं रेगुलर बेल के रिगार्डिंग, एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग, तो बेल आफ्टर अरेस्ट की अगर बात कर रहे हैं, है ना, रेगुलर बेल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो वो बेल अगर कैंसिल होती है तो आप मूव कर सकते हो कोर्ट ऑफ सेशन। वहां पर भी अगर कैंसिल होती है तो आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हो। बट दिस इज द स्पेशल सेक्शन which gives the special power to the both the courts, high court as well as the court of session, दोनों courts को extraordinary powers दी गई हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं Bayret language की regarding, right? Bayret language क्या कहता है? High court और court of session may direct, वो direction दे सकते हैं कि कोई भी person जिसको जो custody में है अगर उसको release किया जाता है on bail। यहां पर word लिखा गया है released on bail, I'm not talking about discharged, but यहां पर released on bail word लिखा गया है। तो जब कोई भी अगर person जिसको high court और court of session direct करते हैं कि भाई इसको release किया जाए, immediately bail पर छोड़ा जाए, और उस order के साथ वो conditions भी attach कर सकती है, may impose any condition which it consider necessary. Second point, that any condition जो magistrate ने condition impose की थी वो conditions delete भी कर सकती है, ये भी उसको modify भी कर सकती है high court और court of session, इसके पास further powers है। Provided further that कि कोई भी अगर person like high court और court of session before granting bail to a person who is accused of an offence which is trial exclusively by court of session, वो offence जो exclusively जिसका trial किसके पास चलना है, court of session के पास, या फिर वो offence though not so trialable जिसका trial court of session में नहीं चलना, magistrate court में चलना है, लेकिन उसकी punishment कितनी है, imprisonment for life, like 326 section। अगर आप किसी को ग्रीवस हर्ट करते हुए शार्प वेपन के साथ, तो आपको वहां पर लिखा गया कि लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो सेशन ट्रायल नहीं है, वो मैजिस्ट्रेबल ट्रायल लेवल है, तो मैजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करेगा। तो यहां पर लिखा गया है कि भाई ऐसे केसेस जो होली सोली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, जब वो ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है लेकिन उसका ट्रायल मैजिस्ट्रेट के पास चलना है, उन केसेस में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दोगे, उसको सुनोगे, उसके सुनने के बाद आप फाइनल डिसीजन पर ऑन मेरिट बेसिस पे बेल को एप्लीकेशन को डिसाइड करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाने की जरूरत नहीं है, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, देन यू नीड टू रिकॉर्ड द रीजंस। आप रिटर्न में आप रीजंस रिकॉर्ड करोगे और अपने बेल का जो डिसीजन है वो आप ऑर्डर सुना दोगे, राइट। फर्दर प्रोविजो ऐड लिखी गई है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अगर वो बेल ग्रांट कर रहे हैं, किन सेक्शन में, रेप के सेक्शन में, 376 थर्ड क्लॉज में, 376 ए बी में, 376 डी ए में, 376 डी बी में, अगर यहां पर बेल ग्रांट करनी है या एप्लीकेशन लगाई गई है हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में, तो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट उन एप्लीकेशन को डिसाइड करने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एटलीस्ट 15 डेज का नोटिस देंगे ताकि वो अपनी प्रेपरेशन कर सकें और वो उसका जो है बेसिकली एप्लीकेशन का विरोध कर सकें, राइट। तो उसके रिगार्डिंग आपको यू नीड टू गिव द 15 डेज टाइम टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट इज मैंडेटरी ओवर हियर। हालांकि इन प्रैक्टिस ऐसा बहुत रेयर होता है, तो ऑन द स्पॉट भी अगर आप उसको नोटिस देते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इमीडिएटली वो तो रेडी होता है हमेशा, वो तो इजीली अपना ले लेगा अपना अगेंस्ट दैट अक्यूज्ड पर्सन, इसको तो कैंसिल करो बेल, उसको गो थ्रू होने में हार्डली 5 और 10 मिनट्स लगते हैं फाइल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को।
तो ये फिर भी, लेकिन वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए ये क्रिमिनेंट्स है कि 15 डेज का उनको टाइम दिया गया है। डन ये वा सेक्शन 439 का A1 यहां पर लिखा गया है कि जब भी आप इन एप्लीकेशन को डिसाइड करोगे अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के रिगार्डिंग, रेप केसेस के रिगार्डिंग, कोई एप्लीकेशन अगर एप्लीकेंट लगाता है, मूव करता है कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में, तो यहां पर इन्फॉर्मर जो पर्सन इन्फॉर्मेंट है, जो लाइक जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, द प्रेजेंस ऑफ द इन्फॉर्मेंट और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम शैल बी ऑब्लिगेटेड, यहां पर ऑब्लिगेटेड देखा गया है, राइट। तो इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। हालांकि ये नहीं होता कि आप 376 में आप विक्टिम को लेके आओ, जी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी पुलिस को, आपने FIR रजिस्टर कराई है, तो आपको प्रेजेंस होना जरूरी है, तो यहां पर ऑब्लिगेटरी है, यहाँ पर उनको उनका आना जरूरी नहीं है, उनके बेसिस पे उनको रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट इज अ स्टेट। स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो यहाँ पर उनको आने की जरूरत ही नहीं है, इट इज बेसिकली ऑब्लिगेटरी। अगर लेकिन अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर कोर्ट को लगता है कि उसको बुलाना जरूरी है, तो आप कॉल कर सकते हो, आपको मना नहीं किया गया, राइट। हाई कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट That any person who has been so released on bail by the magistrate court, उनको फटाफट अरेस्ट किया जाए और कस्टडी में डाला जाए। तो दिस इज द स्पेशल पावर गिवन टू बोथ दिस कोर्ट, HC हाई कोर्ट, COS कोर्ट ऑफ सेशन, अंडर सेक्शन 439 ऑफ CRPC। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव अ सर्टन केस लॉ, ये चार केस लॉ जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट केस इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सीताराम पोपट विटल। यहां पर कोर्ट ने कहा कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हमने कंसिडर करना है जब भी हम लोग बेल डिसाइड करेंगे, जब भी हम लोग बेल की एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। वो कौन से फैक्टर हैं? कोर्ट ने कहा नेचर ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन क्या है, रेप का, मर्डर का, सिंपल हर्ट का, ग्रीवियस हर्ट का, कौन सा है। सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट, उस ऑफेंस की सिवियर पनिशमेंट कितनी है, वो भी हमने ध्यान में रखना है। रीजनेबल एप्रीहेंशन क्या है कि अगर बेल दी जाए तो क्या वो विटनेस को हरास करेगा, उसको थ्रेट करेगा, या एविडेंस को टेम्पर्ड करने की कोशिश करेगा, क्या रीजनेबल एप्रीहेंशन है वहां पर। दूसरा और थर्ड पॉइंट, प्रिमोफसया केस मेड आउट होता है अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन के नहीं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। प्रिमोफसया केस अगर मेड आउट होता है अक्यूज पर्सन के रिगार्डिंग, तो नेचुरल बात है आपको बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर प्रीमियम से ये केस मेड आउट होता है बट स्टिल अदर सर्कमस्टांसेस जो है वो आपके फेवर में है कि ठीक है, इवन दो कि अगर उसने ऑफेंस कमिट किया भी है, लेकिन यहां पर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसको बेल दी जानी चाहिए, तो कोर्ट उसको बेल दे देगा। इट इज द होली सोली डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द कोर्ट्स, ये सबसे बड़ी पावर्स है बेल के रिगार्डिंग, डिस्क्रिशनरी पावर दी हुई उनको, उनकी मर्जी दे या ना दे, राइट। वी हैव अनदर केस दैट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अमर मणि त्रिपाठी, इंपॉर्टेंट वन। यहां पर भी फैक्टर को डिसाइड किया गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स इनको ध्यान में रखा जाएगा। यहां पर कोर्ट ने कहा सबसे पहले प्रिमोफसया देखते हैं कि प्रिमोफसया केस अक्यूज के अगेंस्ट मेड आउट होता है कि नहीं होता। नेचर ऑफ ग्रेविटी ऑफ चार्जेस कितने हैं, नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द चार्जेस, एक्विजिशन क्या है उसके अगेंस्ट, सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट क्या है उसके अगेंस्ट, यहां पर क्या चांसेस हैं कि अगर अक्यूज को बेल दी जाए तो वो यहां से भाग जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। अक्यूज का करेक्टर, उसका बिहेवियर, उसके मींस, उसका पोजीशन, उसका स्टैंडिंग क्या है सोसाइटी में, वो भी देखना पड़ेगा। लाइकलीहुड ऑफ द ऑफेंस, क्या वो रिपीट करेगा, अगर उसको बेल दी जाए तो क्या वो दोबारा फिर से ऑफेंस रिपीट करेगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। रीजनेबल एप्रिहेंशन, विटनेस को क्या होगी, एविडेंस क्या वो टेम्पर करेगा जब उसको बेल दी जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे। डेंजर ऑफ कोर्स जस्टिस बीइंग थ्वार्टेड बाय ग्रांट ऑफ बेल, अगर उसको बेल दी जाए तो यहां पर जस्टिस खत्म हो जाएगी, वो बाहर जाके कुछ भी कर सकता है। अगर इन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए देन यू कैन इजिली डिसाइड द एप्लीकेशन रिगार्डिंग द बेल। देन वी हैव अनदर केस दैट इज गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर भी फैक्टर्स को ध्यान रखा गया है, यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर कुछ फैक्टर्स हैं इनको ध्यान रखा जाएगा, लाइक नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस, किन हालातों में अक्यूज ने वो ऑफेंस कमिट किया है, किन हालातों में, क्या वो इतना मजबूर था कि उसकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, लेकिन मजबूर इतना था कि उसको मारना पड़ा, क्या सर्कमस्टांसेस थे। हर कोई पर्सन बाय बॉर्न क्रिमिनल नहीं होता,
हालात उनको क्रिमिनल बना देते हैं। अगर उनको रिफॉर्म ना किया जाए तो वो हार्ड क्रिमिनल्स बनते जाएंगे, ये भी हमने ध्यान में रखना है। पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है अक्यूज का सोसाइटी पे, लाइकलीहुड ऑफ द अक्यूज बीइंग फ्री फ्रॉम जस्टिस, अगर बेल दी जाए वो भाग जाएगा वो कितने चांसेस हैं उसके, क्या वो टेम्पर्ड करेगा विटनेस को, क्या वो एविडेंस को टेम्पर्ड करेगा, क्या विटनेस को थ्रेट करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री क्या है केस की, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट जब तक जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वो हमने सब कुछ ध्यान में रखना है, राइट। अदर रिलेवेंट ग्राउंड्स भी आप ध्यान में रख सकते हो, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते अगर आपको लगता है कि बेल जो है वो ग्रांट करनी जरूरी है तो आप कर दो, बात खत्म। इट इज योर डिस्क्रिशनरी पावर, नोबडी इज गोइंग टू इंटरफेयर इन योर पावर, दिस इज द कोर्ट, ये हाई कोर्ट और कोर्ट असेशन है, यहां पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, इसलिए डिस्क्रिशनरी पावर वो है वो सोच समझ कर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डिसाइड करते हैं, राइट, यूज करते हैं उन पावर्स को। लास्ट केस सतीश जग्गी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, दिस इज दैट इंपॉर्टेंट वन, काफी इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए। यहां पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एट द स्टेज ऑफ ग्रांटिंग ऑफ बेल, जब भी आप बेल को ग्रांट करते हो, कोर्ट कैन ओनली गो इन टू द क्वेश्चन ऑफ द प्रिंग ऑफ सच अ केस वेदर मेड आउट अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन और नॉट, आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि अक्यूज के अगेंस्ट प्रिमा फसाया केस मेड आउट होता है या नहीं होता है। यू नीड नॉट टू गो इनटू डिटेल कि इसके अगेंस्ट एविडेंस क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है उन विटनेस की, यू नीड नॉट टू चेक द क्रेडिबिलिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द विटनेस, व्हाट यू नीड टू चेक ओवर हियर इज दैट वेदर द प्रिमा फसाया केस अगेंस्ट द अक्यूज इज मेड आउट और नॉट। You need not to check the credibility and the reliability of the witness statement. It is the part of the trial. यहां पर ट्रायल में अगर आप ट्रायल की जो बेसिकली एविडेंस जो अपने ट्रायल में प्रोड्यूस करनी है वो आप अभी मत उसको कंसिडर करो, यहां पर सिर्फ आपको देखना प्रिमियम सही केस बनता है या नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर्ट ने कहा यहां पर विटनेस की क्रेडिबिलिटी उसकी रिलायबिलिटी को चेक नहीं किया जाएगा जब भी बेल को बेल एप्लीकेशन को सुना जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए सेक्शन है हमारा 439। ऑलरेडी हमने बेल को ऑलरेडी हमने खत्म कर चुके हैं हम लोग 436 ऑनवर्ड्स, हमने सेक्शन 439 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं रहा जो हमने डिस्कस नहीं किया। इसके बाद हम लोग बेल बॉन्ड के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग बेल पर किसी पर्सन को अक्यूज को रिलीज करते हैं तो उनसे हम लोग बॉन्ड लेते हैं, 50,000, 20,000, 1 lakh, 2 lakh, 15 lakh, whatever as per the status of the accused person, कि उसने crime क्या किया है, वो bail bond हम लोग next video में हम लोग discuss करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर कोई doubt है, in case of any problem, please आप discuss करना, in case of doubt, please आप discuss करना, message करना, and I requested with folded hands to all my students, कि please आप उनको answer दे दिया करो, अगर आपको answer पता है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी रेगुलर होती रहेगी। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।